अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर साथी ये सवाल करते हैं कि कौन सा तरीका इलाज बेहतर है। हमें बताएं कि हमें होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहिए, हमें हर्बल इलाज करवाना चाहिए या एलोपैथिक इलाज कराना चाहिए। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि तरीके का तीनों अपनी जगह सही हैं, तीनों की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जो अहम बात है वो ये है कि आपका जो मालिज है उसको अपनी फील्ड पे, अपने फन पे मुकम्मल महारत हासिल हो और वो तशखीस पे अबूर हासिल हो। जब तशखीस अच्छी होगी, दवाई सही तजवीज़ होगी तो यकीनन आराम आएगा। हम लोग बाज़ औक़ात ना तजर्बेकार लोगों के हाथों शिकार हो जाते हैं और गलत अद्वियात या गलत तरीक़ेकार की वजह से हमें अपने मर्ज़ या तकलीफ़ से निजात नहीं मिलती और फिर हम शिकवा करते हैं कि ये तरीका इलाज बेहतर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा सबसे पहले जो है ना, आप डिसाइड करें कि आपने कौन सा तरीक़ेकार अपनाना है। उसके बाद आप एक अच्छे मालिज का इंतखाब करके उस पर मुकम्मल एतमाद कीजिए। जब तक एतमाद नहीं होगा, आपकी जो वाइटल फोर्स है, जो आपकी कुव्वत शिफा है, वो कभी भी आपका साथ नहीं देगी और दवाई जो है वो उसकी एफिकेसी जो है वो ना होने के बराबर होगी। यानी कि दवाई जो है वो अपना असर नहीं करेगी। लिहाजा इलाज में एक अहम बात जो है वो अपने तबीब या अपने मालिज या अपने डॉक्टर के ऊपर मुकम्मल एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है हेल्पिंग और क्योर प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है। गाहे बगाहे अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन फेस करते हैं, कोई आपको लगता है कि जो है मर्ज़ में, अलामात में, सिम्टम्स में बेहतरी नहीं आ रही, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनसे मशवरा करें और उनके तजवीज़ करदा तरीक़ेकार के मुताबिक ही मेडिसिन यूज़ करें और परहेज़ करें। इससे इंशाल्लाह आपको यकीनन आराम आएगा और आप बेहतरी महसूस करेंगे। थैंक यू।